चलो देखो उसमें खोल लो उसे। हाँ पहले दिशा शुरू करा रही हूँ। देखो दिशा शूल एक ऐसा शूल, मतलब शूल क्या होता है, एक वो होता है ना तीर होता है जैसे, उसको मान के चलिए आप, है ना, तीर होता है ना जैसे तीर, ऐसे ही दिशा का तीर हो गया ये। कि उसका मतलब क्या है कि हमें जो है कहाँ यात्रा नहीं करनी चाहिए और कहाँ यात्रा करनी चाहिए। जैसे हमें कहीं भी जाना है, किसी भी जगह पे हमें जाना है, तो उसके लिए हमें बेस्ट डायरेक्शंस तो हमें पता है कि हमें फलानी जगह जाना है, लेकिन उसके लिए डे कौन सा पर्टिकुलर सही है, मतलब किस पर्टिकुलर डे के दिन हम जाएं जिससे हमें जो है उस दिशा में जाने से हमें उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिले, उसका जो है रिजल्ट अच्छा है हमारे पास। ये जैसे अभी मैंने तो ये कोर्स, हाँ बोल। हाँ तो वही चीज आ गई ना। अब जैसे मैं अभी, आपने कोर्स स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे कहा था कि जो है फलाने दिन फलाने टाइम पे हम स्टार्ट करेंगे, है ना। वो क्या है कि मतलब हर चीज एक शुभ तरीके में, शुभ समय में हम काम करें तो उससे हमें फायदा होता है, ठीक है ना। ऐसे ही दिशा शूल का मैटर है, ऐसे ही दिशा शूल का मैटर है कि जो है दिशा शूल में क्या है कि हम अगर कहीं भी हम यात्रा कर रहे हैं तो हम किस शुभ दिन पे जाएं, मेन मैटर इस पे आता है। जैसे इसमें आपको दे रखा है नोट्स में कि ये मंडे के दिन हम जो है नॉर्थ और ईस्ट यहाँ पे यात्रा नहीं करनी चाहिए, मतलब अब जैसे संडे को हमें जाना है, और तो संडे को हम साउथ वेस्ट में हमें नहीं जाना है, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में यदि जाना है तो संडे को नहीं जाना है, ऐसे समझ लो, किसी भी तरीके से समझ लो इसे। हाँ इसमें होता है यात्रा का, यात्रा का, कहीं हमें बिजनेस मीटिंग पे कहीं जाना है बाहर, या किसी से हमें मिलने जाना है, स्पेशल पर्पस, कोई बिजनेस मीटिंग है हमारी, कोई स्पेशल काम है, ठीक है ना, कोई विजिट पे हम जाना है, मान लो हम एस्ट्रोलॉजी का, वास्तु का काम कर रहे हैं, किसी की विजिट पे हम जा रहे हैं और हमें जो है साउथ ईस्ट साइड जाना है, तो हम साउथ ईस्ट में ट्यूसडे के दिन विजिट नहीं जाएंगे, हम किस दिन जाएंगे। बताइए। हाँ कर सकते हैं, बस पर्पस है उस काम के ऊपर कि आपका वो काम क्या है, बिजनेस मीटिंग बोलिए, खास पर्पस हो, जनरली आप जा रहे हो किसी से ऐसे मिलने जा रहे हो तो कोई ऐसे उसका लॉजिक नहीं है, विजिट पे जा रहे हो, अगर विजिट पे जा रहे हो, अगर आप एस्ट्रोलॉजी की विजिट पे कोई क्लाइंट है आपका, आप उससे मिलने जा रहे हो तो उसका जो है देख के चलिए कि आपको किस दिशा में वो आ रहा है और वो हमारे लिए वो बेनिफिट देगा कि नहीं देगा। हाँ, बिल्कुल, ये आप ये ट्राई करना पड़ेगा बिल्कुल कि गूगल मैप पे ट्राई करिए, जैसे गूगल मैप का मैंने आपको बताया था उस तरीके से, उसका एड्रेस लेके के उसका वो मैप लेके कि वो आपके जो है किस डायरेक्शन में आ रहा है आपके घर से, ठीक है ना, फिर उसके हिसाब से जो है डे फिक्स करिए कि वो फलाने डायरेक्शंस में है तो हम कौन सा डे हमें जो है प्रिफेयर करेगा वहाँ जाने के लिए। और क्या, नहीं तो गूगल मैप पे आ जाएगा, उसका एड्रेस डालोगे गूगल मैप पे लिखी आ जाती है ना, आपके घर से, आपके घर से वो कितनी डिस्टेंस पे, वो सब आ जाएगा उसमें। और नहीं तो, और कुछ नहीं है तो इंडिया का दिल्ली का जो है प्रॉपर मैप ही ले लो, दिल्ली का प्रॉपर मैप जो होता है वही खोल लो नेट पे, गूगल मैप पे जो है दिल्ली का प्रॉपर खोल लो बस, उसमें जो है वो किस एरिया में आ रहा है वो आपको पता लग जाएगा, है ना, बजाय पूरे वर्ल्ड का या इंडिया का खोल के दिल्ली का खोल लो, दिल्ली में वो किस जगह पे वो आपको पता लग जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये पता लग गया कि हमें जो है इन डेज़ को इन डायरेक्शंस में नहीं जाना है, तो फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप किसी भी बिजनेस मीटिंग या ज़रूरी काम से जा रहे हो तो कोशिश करें कि इन दिनों
इस डायरेक्शंस में नहीं जाएं, क्योंकि इन दिनों डायरेक्शंस जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देंगी। तो फिर प्रश्न आता है कि अगर हमें यात्रा करनी है तो हमें कौन सी दिशा बेस्ट है, ठीक है, मतलब इस दिशा जिस डायरेक्शंस में हमें यात्रा करना मना है, तो आप उसी दिन उसके अपोजिट दिशा।